सर वहाँ पे प्लांट का बॉयलर है और बॉयलर पे अपना एक कोयले का बंकर है। कोयले का बंकर सर गिरने के वजह से अभी 3 लोग दबे थे, जिसमें से अपना 2 लोग का डेथ हो गया है और एक का बाकी है अभी, और बाकी 3 लोगों का चांस है कि वो अभी दबे होंगे। शायद अभी कटिंग का काम चालू है, वहाँ निकलने पे पता चलेगा क्या कंडीशन है। कंडीशन का सर पता नहीं, क्योंकि वो सर प्लांट है, दुर्घटना कभी भी हो सकता है वहाँ, क्योंकि रनिंग पे है सर कंडीशन। कितने लोगों के दबे होने की आशंका है अभी? आशंका सर 3 लोगों की है, अभी कंफर्म पता नहीं है सर, क्योंकि कटिंग का काम अभी अपना चालू है, निकलने के बाद पता चलेगा सर पूरा कंफर्म। आपका नाम क्या है? नाम सर मानेसर है। मृतक कौन कौन है, कहाँ के हैं? मृतक का सर अभी जानकारी है नहीं है, ये अभी कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे थे 3 लोग। सुरक्षा मान लोग नहीं किया गया था, जब सुरक्षा की व्यवस्था है? सुरक्षा का है सर, क्योंकि अपना बंकर का वेट सर टन पे है, वो काफी टन है सर, लगभग 10 टन के लगभग है, वो पूरा गिर गया सर डैमेज होने की वजह से, लोड के वजह से। कहीं ना कहीं प्रबंधन की गलती मानते हैं क्या? गलती तो सर डैमेज अब बता रहे हैं आप, बंकर डैमेज थी इसमें? डैमेज नहीं सर, क्योंकि डैमेज का आशंका नहीं था, पर वो लोड के वजह से हो सकता है कुछ मटेरियल में कुछ हो गया होगा। मेरा नाम राजकुमार सिंह है जी। घटना तो एकाएक बॉलर बैठा है, उसका घटना कैसे हुई तो जानकारी अभी तक नहीं है, वो तो पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कोई स्ट्रक्चर का डिजाइन का टीम आएगा, वो देखेगा कैसे कोलैप्स हुआ, उसका जानकारी तो अभी तो निकालना पड़ेगा। जो मेरा जिम्मेदारी है, मैं वही प्लांट को बनवाता हूँ, प्लांट को बनवाता हूँ, नया नया जो एरिया होता है उसको मैं बनवाता हूँ। तो प्लांट तो ठीक से जैसा डिजाइनर हम लोग जो बनाते हैं डिजाइन और कौन करके देते हैं। जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सिर्फ वेल्डिंग में टिका हुआ दिख रहा है, कहीं नट बोल्ट कसा हुआ नहीं? नट बोल्ट से वेल्डिंग वाला ज़्यादा मजबूत होता है सर जी। टूटा कैसे ये तो बताना मुश्किल है अभी, वो तो स्ट्रक्चर का कोई जो एक्सपर्ट आएंगे। नहीं, सुरक्षा मामला का तो सब ध्यान तो रखा ही जाता है, सुरक्षा मामले में कोई अच्छा मामला है ना, जितना जो हम लोग बाहर से डिजाइन मंगाते हैं उसका हिसाब से चला रहे हैं, तो अभी तक तो कैसा कुछ हो रहा है, प्लान तो करीब करीब 2 साल से चल रहा है, लोग जो कर रहे हैं, लेकिन इसका हम लोग पूरा बंकर भरे भी नहीं थे, आधा बंकर में ही चला रहे थे। अब उसका जिम्मेवार तो अभी कौन बता सकता है, तो जो ऐसा नहीं बोल सकते कोयला के चलते, बॉयलर जो है आप लोग सब आदमी जानते हैं, भूसा से भी चलता है, कोयला से भी चलता है। करीब लगभग मुझे 1 घंटे पहले जानकारी मिली कि यहाँ जो बॉक्साइट प्लांट है, जो यहाँ से जो रिफाइनरी होता है, यहाँ हादसा हो गया है, और उस कोई पैकेट से उसके लोड के गिरने से उसके नीचे लोग दब गए हैं और कैजुअल्टी हो गई है। कुछ लोगों की पता चला कि वो हॉस्पिटल ले गए हैं और कुछ लोग अभी तक दबे हुए हैं। गलती मानते हैं। अब जानकारी मिलने पर मैं आया हूँ जानकारी देखने के लिए। देखिए मैं कोई टेक्निकल व्यक्ति नहीं हूँ, पहली बार आ रहा हूँ मैं इस फंक्शनल को देखने के लिए। इसका जवाब तो यहाँ के जो लोग हैं मैनेजमेंट वो देगा, मेरी तो घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही मैं इस देखने आया, विधानसभा क्षेत्र में है इसलिए उनको क्या हुई है, कोई बचाया जा सकता है, किसी को किस तरह से सहायता की जा सकती है, किस तरह से पहली जो चीज़ें हैं उनके जान बचाने के लिए, उस स्वरूप में हम सब देखने आए थे। अब बाकी जो विषय है वो तो जांच का विषय है कि कितने का ये फैक्ट्री जब स्टार्ट हुई, जब कांग्रेस के समय में जो इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और किन शर्तों पे हुआ था, इनके क्या क्या इनकी शर्तें थी, किस लाइन पे इनको काम करना था। अभी जो जानकारी में कुछ जैसे आप लोगों ने कहा कि भूसे चलता था इसको, लेकिन कोयला का उपयोग कर रहे थे, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कोयले से चलना था या भूसे से चलना था। ये तो लाइसेंस और इनके जो फैक्ट्री को जो परमिशन मिला, किस कंडीशन में मिला, उसमें पता चलेगी। लेकिन यहाँ आने से निश्चित रूप से थोड़ी सी जो सुरक्षा व्यवस्था और बाकी जो चीज़ें जैसा अन्य फैक्ट्रियों में देखने को मिलना चाहिए, उस तरह से जो अभी यहाँ मैनेजमेंट अभी कोई नहीं है, एक सामान्य से व्यक्ति है जो यहाँ का जो लोकल जो इस काम को देखता था, अब वो जवाबदार भी व्यक्ति नहीं है, तो वो भी पूरी जानकारी देने में असमर्थ है। फैक्ट्री के किसी मालिक का पता नहीं है, इंजीनियर का यहाँ पता नहीं है, तो टेक्निकल चीज़ें हम कैसे जान पाएंगे। तो ये जरूर है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो नहीं निश्चित रूप से कार्रवाई तो होगी, इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, प्रशासन की जानकारी में आया है, FIR होंगे, उसकी अभी लोगों की पोस्टमार्टम होंगे, और यहाँ की पूरी सिस्टम को जिस ढंग से चलना चाहिए था उसमें यदि अनियमितता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी, और जो भी चीज़ें यहाँ की जा सकती है इस घटनाक्रम के बाद। देखिए घटना नहीं होती तो किसी को पता नहीं चलता, ये घटना घट गई इसलिए सारे लोग आज फैक्ट्री के अंदर आ गए,
नहीं तो फैक्ट्री के रूल्स के हिसाब से ये प्रोहिबिटेड क्षेत्र है, बाहर से लोग कोई यहाँ आ नहीं सकते, तो उसकी जानकारी किसी को नहीं थी। इस घटनाक्रम के होने से हम सबको ये जानकारी मिली है, तो आगे हम लोग देखेंगे इसमें यदि गड़बड़ियाँ हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि फैक्ट्री चल रही है तो नियम और प्रक्रिया के तहत इसको चलना चाहिए। आज अंबिकापुर जिले के रघुनाथ चौकी अंतर्गत सिलसिला में एक एल्यूमिना प्लांट है जिसको माँ कुदरगढ़ी एल्यूमिना प्लांट है, वहाँ पे लगभग सुबह 10 बजे एक घटना हुई है जिसमें जो कोयले का हॉपर होता है वह कुछ मजदूर जो वहाँ काम कर रहे थे उनके ऊपर गिर गया, जिससे कुल 7 मजदूर उसकी चपेट में आए हैं, जिनमें अभी तक 4 मजदूरों की जान जा चुकी है, एक मजदूर की स्थिति गंभीर है और 2 लोग खतरे से बाहर हैं लेकिन उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं। सर हादसा हुआ है, लापरवाही जो बताया जा रहा है, देखिए पुलिस इसमें जांच करेगी, निश्चित ही इसमें अपराध पंजीबद्ध होगा और उसके पश्चात जो भी लापरवाही सामने आती है उस पर उचित जांच करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।